शक्ति विधानसभा में चुनाव सरगर्मी हुई तेज। कोरबा सांसद श्रीमती ज्योतिषा महंत ने शक्ति विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दर्रा भाटा सिगनसरा नवापारा कनेटी चारपारा केरीबंधा बोईरडीह नदेली सौंठी ग्राम में पहुंचकर मतदाताओं से डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ग्रामीण अंचलों की महिलाओं ने जनसंपर्क के दौरान ज्योतिषा महंत का पुष्पहार के साथ स्वागत करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का वचन दिया। इस अवसर पर ग्रामवासियों को ज्योतिषा महंत ने कहा, कांग्रेस की सत्ता में लगातार विकास हो रहा है। 5 वर्ष तक आप सभी के गांव में विकास कार्य हुए हैं और जो भी काम बचा है उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ है, क्योंकि कहा जाता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इन्होंने 5 साल देखा है और जो छोटी मोटी समस्याएं वो तो हर परिवार में, हमारे पूरे परिवार में ही देख लीजिए, कोई संतुष्ट नहीं हो पाता। छोटी छोटी समस्याएं मिल रही है मुझे, मैं उन तक पहुंची नहीं है जो समस्याएं, तो मैं उन तक पहुंचाऊंगी। और चूंकि प्रत्याशी के रूप में आज अभी घोषणा हुई है महाजी की, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लोकसभा से छुट्टी मांग के यहाँ काम करूं। और वैसे भी मैं आती रहती हूँ यहाँ, लेकिन जिन गांवों में मैं बिल्कुल भी नहीं गई हूँ वहाँ जाने का मैंने प्रोग्राम किया है। और मैं मिल रही हूँ सबसे, ये बच्ची जो मुझे मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बच्ची आत्मानंद स्कूल में पढ़ती है। चल बता बेटा, तू कहाँ पढ़ती है? चल क्लास में पढ़ती। देखिए, हमारे सरकार ने जो किया है उस पर देखिए आप। ये बच्ची आत्मानंद स्कूल में पढ़ती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों होते हैं। और हमारी सरकार अच्छा काम करती है और निश्चित रूप से हमारी सरकार फिर बनेगी, हम फिर ऐसे ही काम करते हैं। धन्यवाद। शक्ति विधानसभा में पहला ही रुझान आया, बड़ी संख्या में भाजपा वाले लोग कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं, संबंध क्या कहना है? ये उनका विश्वास है कि वो हम पर विश्वास करते हैं और जो हमारे से मिलना चाहते हैं, हमारे दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहते हैं। सोनिया जी और खड़गे जी का ये कहना है कि जो भी आए हम उनको स्वीकार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।